अस्सलाम वालेकुम जी, तुसी देख रहे हो चैनल RUJ। मैं तुहाडे वास्ते प्रोग्राम लैके आया, आओ हसीए। इस टाइम असी खलोते हैं मिनरवा थिएटर फैसलाबाद, तो तुहाडा तारफ करवाने हैं। जिहड़े इस ड्रामे दे साडे सिनेमे दे गार्ड ने, जिहड़े इस समझ लो थिएटर का हिस्सा जे, उन्हां दे नाल तुहाडा तारफ करवाने हैं। सब तो पहले जी अस्सलाम वालेकुम जी, सर की हाल जी? अल्लाह शुक्र। की नाम सर तुहाडा? लियाकत मलिक जी। लो जी, लियाकत मंगी साहब हैं जी, इत्थे दे समझ लो जान ने, शान ने, हैं वेरी गुड इंसान ने। सर तुसी? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर अपना अब्दुल गफार, अब्दुल गफार। हाँ जी, अब्दुल गफार साहब जी साढ़े जी है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वाले सलाम। लियाकत अवान जी। हाँ जी, लियाकत अवान साहब जी, इन्हों की बड़ी जिम्मेदारी है जी, ये पूरा SOP का पूरा ख्याल करते हैं और पूरे निज़ाम के बंदे चैक करके अंदर भेजते हैं, मास्क और पूरा निज़ाम कर रहे हैं जी। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, की सर की नाम? मोहम्मद इजाज़। सर हाँ जी, सर थोड़ा की इतने शोभा? असी सारे इतने जो शो शुरू होने तो पहले सारे चैक करके उत्ते आदमी भेजते हैं, माचिस लैटर डब्बी नसवार हर शायद कट लेंगे। हाँ जी, माशाल्लाह जी, ना नसवार भी नहीं अंदर जान देंगे, सिगरट भी नहीं जान देंगे, माचिस भी नहीं जान देंगे। और साढ़े इतने के बड़े मेन आदमी ने सनी साहब, सनी साहब के नाल तुहाडा तारफ करवाने जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। हाँ सर ठीक ठाक, तुम सुनाओ साहब, खैरियत? जबरदस्त भाई जान, अल्लाह पाक का बड़ा करम। सर थोड़ा इतने की शोभा जी? सर मैं बुकिंग दूंगा। हाँ जी सर, जनाब मैं। अच्छा जी, बुकिंग टिकट वगैरह भेजदा मैं बहू जी? हाँ जी सर, टिकट भेजते हैं। जिस बंदे नूं कोई टिकट चाहिए है फ्रंट दी या कोई खसूसी, वो इन्हां नाल राबता करदा, ये फिर जाके अगे जिहड़े साडे ड्रामे दे प्रोड्यूसर ने उन्हां नूं जाके दसदे ने, और बहुत प्यार वाले ने। तुसीं भी बल्कि इन्हां नाल राबता करो, इन्हां नाल मुहब्बत करो। बहुत बहुत मेहरबानी सर, थैंक। लो जी, हुण मैं तुहानूं लै के चल रहा कि जिहड़ा नाम आ साडा प्रोग्राम दा नाम आ ड्रा आओ हसीए। हुण जिहड़े हकीकत हसाउंदे ने, हुण तुहाडी मुलाकात मैं उन्हां नाल करवानी आ, वह अपना सारा दिल दुख अंदर बर्दाश्त करके तुहानूं पूरी हसाउण की कोशिश करते ने। तुसीं मेरे नाल रहना, आओ चलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुहानूं उस जगह पर लै के आया जिथे सच्ची मुची जिहड़े हसाउण वाले ना, जिहड़े वो इत्थे काम भी कर रहे ने थिएटर दे विच, मिनरवा थिएटर दे विच, और यह जो जिन्हां नाल मैं तुहाडा तारफ करवा रहे हैं, ये भी इत्थे दे बहुत मेन गेटकीपर ने, जिहड़े आम बंदे नूं आउण ही नहीं दिंदे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर तुहाडा की नाम? पप्पू मेरा नाम। हाँ जी, ये पप्पू साहब ने जी, और सच्ची मुची पप्पू ने। अच्छा पप्पू साहब, तुहाडी की जिम्मेदारी है इत्थे? मेरी जिम्मेदारी है जी, फालतू इत्थे बंदा नहीं आउण देना, हैं, ते कोई किसी किस्म का भी कोई गलबात हो सारी कवर करनी। हाँ जी, सब कुछ चैक करने तो बाद ओ गेट जे, जिस गेट के सिर्फ फनकार दाखिल होंगे ने, और तुहाडा मैं हुण तारफ करवाना कि जिहड़े फनकार ड्रैस पाउंदे ने, जिहड़े ओ ड्रैस नूं तैयार करदे ने, इस जिहड़े प्रैसमैन ने इस थिएटर के, मिनरवा थिएटर के प्रैसमैन और मुहम्मद लिया साहब, उन्होंने नाल तुहाडा तारफ करवाना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी मोहम्मद लिया साहब, की हाल जी? अल्लाह का शुक्र जी, तुसी? सर तुहाडी इत्थे की जिम्मेदारी है? सर मेरी जिम्मेदारी हैगी इत्थे ड्रैस वगैरह दी। अच्छा। आर्टिस्टां दे ड्रैसां दा ख्याल करना, ड्रैस दी प्रेसिंग वगैरह करनी, ते उस तो बाद उन्हां दी देखभाल करनी। हाँ जी। लो जी, इन्हां दी ये बड़ा जिम्मेदारी का काम हुंदा, एक कुड़ी जिहड़ी है ना, वह सत्त सत्त सूट बदलती है, तो इन्होंने वो प्रेस बकायदा करने ने, और मुंडियां दे भी हर चीज़, हर प्रोक्स जिहड़ी इन्होंने तैयार करनी हुंदी है जी। हुण तुहानूं मिलाउने जी जिहड़े फनकार ने, आर्टिस्ट ने, जिहड़े हसाउंदे ने, तुहाडी उन्हां नाल मुलाकात करवाने जी, मेरे नाल रहना। नाज़रीन, मैं तुहानूं वो जिहड़े हसाउंदे ने ड्रामे दे विच है जी, उन्होंने फनकारा के नाल तुहाडा जिन्हां दा सही बड़ा हिस्सा जी, बड़ा रोल हुंदा जी, उन्हां दे नाल तुहाडा मैं तारफ करवाना। मेरे नाल ने फरिया खान जी, और फैसलाबाद दी बल्कि पूरे पाकिस्तान की सुपरस्टार है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी मैडम, की हाल जी? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे? हाँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम तुसी इस ड्रामे दे विच माशाल्लाह, सब तो पहले तो तुहानू मुबारक होवे कि थिएटर जी जी, हम हुकूमत के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे ड्रामे ओपन कर दिए हैं, और हम वज़ीर आज़म इमरान खान का और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे थिएटर ओपन कर दिए। हम इधर मिनरवा थिएटर फैसलाबाद में प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छी कास्ट है, और ख़ुद भी आएँ, अपने दोस्तों को भी लेके आएँ और ड्रामा देखें। हाँ जी, और माशाल्लाह साड़ी ये बड़ी शोख एक्टर और बहुत खूबसूरत एक्टर, और क्या बात है। और मैडम तुसी इहदे विच की कर रहे हो?
जी मैं इसमें ना दुल्हन का रोल कर रही हूँ, दुल्हन बनी हूँ। माशाल्लाह जी दुल्हन, माशाल्लाह बीवी। देखो जी कोरोना मौसम जिन्हों दी सही शादियाँ भी हुई सी वह भी बेचारे इधर उधर ही रहे ने, और इन्होंने आन के बीवी बन के उन्होंने मिलाने की कोशिश की है जी। हाँ जी, हाँ जी मेरी गल सुनो, हुण कोरोना खुल गया, लॉकडाउन खुल गया, सॉरी, तो आप फैमिलिया नू लैके जाओ कि आउटिंग वास्ते जो घर बह के पागल हो गए, डिप्रैशन के मरीज हो गए जी जी, ते अपनी फैमिलियां नू जाओ बाहर एंटरटेनमेंट करो, ड्रामे वेखो, आके तुहाडे दिमाग जरा फ्रैश होण। हां फ्रैश होण। अच्छा मैडम तुसीं ये दसो माशाल्लाह तुहाडे हुसन दा राज की है? मेरे हुसन दा राज ते कुछ भी नहीं है, मैं दुध पीनी है। हाँ जी माशाल्लाह जी दुध पीते ने, जेड़ा बंदे दे हुसन नहीं आ रहा जेड़ा काला वा ब्लैक आ, कोशिश करो दुध पीने। अच्छा एक गल सुनो, दुध ते चिट्टा हुंदा ते मज क्यों काली हुंदी है? मज क्यों काली हुंदी जे, एदी कोई समझ नहीं आउंदी। वैसे तुसीं की महसूस कीता? हाँ बस मैनू भी कोई कहते तो मैं क्या दुध पीनी है, कहते दुध तो चिट्टा होता तो मज क्यों काली है? मज क्यों काली है जी। ये माशाल्लाह जी तुसी ड्रामा इन्हों का देखना, फैसलाबाद मिनरवा सिनेमे लगे जी, तुसी आके इन्ह की परफॉर्म देखो और इन्हों दस दौ वो तुसी कुछ कहना चाहते हो? जी नहीं, ये हमारे सीनियर हैं, ये भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, आप आए और ड्रामा देखने आए, और हम चैनल वालों का शुक्रगुजार करते हैं कि वो आए हमारा इंटरव्यू लिया उन्होंने। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी थोड़ा तारफ करवाने जी इस ड्रामे के जेडे खूबसूरत डायरेक्टर ने, हैं जी ज़ीशान साहब, और फैसलाबाद की पूरे पाकिस्तान दे विच उन्होंने अपने काम का लोहा मनाया जे, और जेडे एक्टर ऐसे से जिन्होंने बेचारे खिलौंदा भी नहीं सी पता, और उन्होंने पूरा उन्होंने पूरा काम दसिया जे, वो अज वो अपने अपने कामों के मसरूफ ने, अज तुहाडा उस हस्ती दे नाल तुहाडा तारफ करवाने आ ज़ीशान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ओ जी ज़ीशान साहब की हाल जी? जी अल्लाह शुक्र, माशाल्लाह थोड़ा जहा ला दियो, चलो पब्लिक नहीं है थोड़ा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, माशाल्लाह जी ये बहुत प्यारे ने, बहुत प्यार करने वाले ने, और पूरी टीम के नाल खास तौर पर अपने काम नाल बहुत इंसाफ करते हैं, और बाकी गल्लां तुहानू अपने जुबानी दसणगे। देखो सदीक साहब मुहब्बत है ताडी, कि तुसीं जो कुछ फरमा रहे हो मैं बंदा ना चीज़ कुछ भी नहीं है, बस ये है कि उस्तादां दी खिदमत कीती है, तो उन्हां दी खिदमत दा नतीजा क्या, चलो बच्चों की रोटी कमा रहे हैं। तो बाकी दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने कहा कि एस ओ पी दे तहत ड्रामे खोले गए हैं, तो देखो तुसीं असी पूरा एस ओ पी का एहतियात कर रहे हैं, और जो उन्होंने एस ओ पी बनाए ने उत्ते अमल करदे होए ड्रामा चला रहे हैं। तो हुकूमत पंजाब का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ, उस्मान बुजदार साहब का, चौरी परवेज अलाई साहब का, और चौहान साहब का, और खसूसी तौर पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का, कि उन्होंने आर्टिस्टा के बारे च आर्टिस्टा के दर्द न दर्द समझे और उन्होंने बारे च सोचा, और इस तो पहले इदों पहले कि उन्होंने छोटा जि सरप्राइज़ दिता सी, वो काश वो पहले सोच लेंदे सरप्राइज़ थोड़ा जहा वड्डा हो जाता, लेकिन चलो जो कुछ भी आया ठीक है। एक 5,000 रुपये की किस्त जी तमाम आर्टिस्टा उन्होंने दी है, जोड़े के बेकार से जोड़े अपने रोज़गार की वजह तो परेशान सन जी जी, मैं उन्होंने भी शुक्रिया अदा करा कि तुम जी सा हेल्प की है, साढ़े आर्टिस्टा की हेल्प की है, असी पंजाब गौरमेंट के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ, और थिएटर खुलन पर असी उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ, तमाम फैसलाबाद के आर्टिस्टा की तरफों मैं उन्होंने नुमाइंदगी करदा हाँ, उनका शुक्रिया अदा करदा कि उन्होंने सानू थिएटर खुलन की इजाजत दी, और असी एस ओ पी के तहत ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं, और पब्लिक आ रही है घट्ट, क्योंकि एक सीट छोड़ के एक सीट बिठा रहे हैं असी जी जी, तो अल्लाह खैर करे करोना जो खत्म हो जाएगा, पर अलहमदुल्ला करोना फ्री हो गया साड़ा मुल्क जड़ा है पाकिस्तान, अगर तुम कहो कि करोना फ्री तो ये मेरा ख्याल कोई ऐसी गल नहीं है, बिल्कुल कह सकते बड़े वसूक ना कह सकते हैं कि करोना फ्री है। तो मैं जनाब तुहाडे चैनल तो असर ना गौरमेंट का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करांगा, तो आर यू जे चैनल मैं इन्हों भी शुक्र गुजार हाँ कि इन्होंने तकलीफ की तशरीफ लियाए और मैनू निकम्मे जे दा इंटरव्यू किया। बाकी सदीक साहब साढ़े बहुत पुराने और बहुत अच्छे आर्टिस्ट ने, साढ़े मतलब दोस्त ने, मेहरबानी बहुत बहुत मेहरबानी थोड़े अपने दिल के माशाल्लाह यकीन करो, और वाकई अपने ना। अच्छा सर थोड़ी ज़्यादा कामयाबी जो भी तुम ड्रामा लाते हो
ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤਮਾਮ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਣਾ ਆਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਔਰ ਮਿਆਰੀ ਖੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰਵਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੰਦ ਲੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਆ ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਹੁਣ ਇਸ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਣੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਸਰ ਉਮੈਰ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਉਮੈਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਲਾਉਣਾ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਟਰੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਐਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੁਸੈਨ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੁਰਤੀਆਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੀਨੀਅਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਜੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁਸੈਨ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਇਹਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਰੋਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਬੜਾ ਯਾਦਾਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੋਲ ਆ ਮੇਰਾ ਜੇਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜੇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰਾ ਤਸਲੀਮ ਅਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਤਸਲੀਮ ਅਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੇਰੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਸਲੀਮ ਅਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਲਓ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਕੈਡਮੀ ਜੇ ਔਰ ਐਸੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਸਲੀਮ ਅਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਸਰ ਆਰ ਯੂ ਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅੱਜ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕੁਲੀਕ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹਸਨੈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਔਰ ਸਦੀਕ ਤਬਸਮ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨੈਨ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਔਰ ਕਮਾਲ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
साडे पाकिस्तान की जीनत है, साडे पाकिस्तान का बहुत बड़ा माण है, बल्कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट है। लेकिन मैं एक जरूरी पैगाम आर्टिस्टां वास्ते नवयां वास्ते देना चाहुंदा कि मेहनत जिहड़ी है ना वह ज़ाया नहीं हुंदी, वो रायगा नहीं जाती, मेहनत करे बंदा तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि बंदा स्टार बन जाता। ठीक है ना जी, तो बस मैं यही कहांगा कि ये जिहड़ा काम है ना इनू अगर कोई रस्ता मिल सकता तो सिर्फ अदब ही दे सकता, इस तों अलावा कोई रस्ता। देखो जी, 5 महीने का लॉकडाउन सी, लेकिन मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बहुत ममनू हाँ, बहुत शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने आर्टिस्टां दी बड़ी रहनुमाई की थी आर्टिस्टां ते कि लॉकडाउन खोलता है, और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब उन्होंने भी शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने पाकिस्तान दे विच ड्रामे ओपन किए ने। ये साड़ियां दुआवां है कि साड़ी हुकूमत नूं अल्लाह पाक तरक्की देवे ताकि आर्टिस्टां दा साढ़े जूनियर सीनियर का एहसास कर सके, साढ़े शोबे नूं तरजीह दे सके। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी तस्लीम साहब जी। हेलो जी, एक रेहान कमाल साहब उन्होंने नाल भी तुहाडी मुलाकात करवाने। अस्सलाम वालेकुम जी रेहान कमाल साहब जी। वालेकुम सलाम जी। के साढ़े इस ड्रामे की आन जान शान और बहुत वड्डी एक्टर अल्लाह पाक उन्होंने होर इस तरह ही इज्जत अता फरमावे। सोबिया खान जी, और जिस तरह वो आप अच्छी है दिल की भी अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम जी मैडम सोबिया जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर तुसी कुछ कहना चाहते हो कोई इस आर मैं तुहानू ये कहना चाह रही हूँ तुसी निकल जाओ निकल जाओ। लो जी ये सानू कढ़ना चाहते ने मैडम माशाल्लाह। मैडम तो उसे जी इस ड्रामे का बड़ा बोझ आ, और यकीन करो सारा बोझ अपने सीने से ले फिरते ने ऐसा बोझ चुके हो या मैं कि मतलब इन्होंने कोई भी नहीं चुक रहा किसी कुड़ी दे इन्नी हिम्मत नहीं जी। और माशाल्लाह अच्छा जी माशाल्लाह सची मुची बहुत खुश खुश अखलाक ने। और मुबारक होवे तुम्हारे चैनल दी जी जी। खैर मुबारक दा कि चलो एक फनकार हो के उधरों चैनल भी यूज कर रहे हो और सारे काम भी मतलब गदड़ा बदड़ा किया होया तुसी। अच्छा मैडम तुसी ये दसो जरा, कोरोना खत्म हो गया, लॉकडाउन खत्म हो गया, थिएटर दोबारा शुरू हो गए ने, जेड़े जेड़े फनकारा ने पहले तो यह हाल हो गया सी, जिन्होंने बेचारे ने किश्तां ते गड्डियां लईयां सी वह भी उन्होंने वापस कर दित्तियां, जिन्होंने नवियां लईयां सी बेचारे ने कई ने वेच दित्तियां, जेड़े मेरे वर्गे छोटे फनकार सी उन्हां को मोटरसाइकलां सी वह बेचारे साइकलां ते आ गए, हुण फिर दोबारा थिएटर खुल गए ने, ते की फिर दोबारा चीज़ां वापस लैण दियां कोशिश करोगे जां पैसों का मजा लवोगे? नहीं नहीं, उन्हें पैसों का मजा नहीं लेना, क्योंकि जिन्हें फनकारा ने भी जी जी चीज़ अपनी सेल की या जो भी किया मामलात उन्होंने मतलब उन्होंने चीज़ों वापस लेना चाहिए। अगर थोड़े को पैसे बच गए ने उन्होंने चीज़ों वेच के खर्चा खर्चा कड़ के थोड़े को पैसे बच गए ने तो कमाई करो मेहनत करो, क्योंकि काम हूँ खुल गया, काम खुल गया, मेहनत करके तुम अपनी वो चीज़ा वापस लैन की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि तुम अपना मतलब कि वह भी गवा बैठो तो ना उन्होंने पैसों का भी मजा लवो तो जैशी करो इंजॉय करो, ऐ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सदीक साहब मैडम के कहने का मकसद ये है कि जिंदगी जिस तरह एक अल्लाह पाक की तरफों एक वबा चली थी 5 महीने वास्ते, वो सारी दुनिया वास्ते थी, कुछ साढ़े कल वास्ते नहीं सी, लेकिन वो बड़िया परेशानियां बड़िया टेंशन आर्टिस्टों वास्ते भी आम लोगों वास्ते भी सी। इन्हां ने खास तौर पर फनकारा ने बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त कटे है, वो इस वास्ते कि साढ़े जो फनकार ने ना उन्होंने एक बड़ी खासियत है कि वह किसी के अगे हाथ नहीं फैलाएंगे, आप मेहनत कर लेंगे, बेशक वो मेहनत साढ़े नहीं करन दे काबिल या जो भी मामलात ने, फनकार खुद मेहनत जरूर करेगा पर किसी के अगे हाथ नहीं फैलाता, यह साढ़े फनकारा की खासियत है। हाँ जी बड़ी गल है जी कि इस तरह होना भी इस तरह चाहिए, किसी अगे हाथ ना फैलाओ, जो भी मंगना अल्लाह पाक को मंगो, जिहड़ा अल्लाह पाक सब नू दिंदा, पत्थर दे विच कीड़ा अल्लाह पाक उन्हू भी रिजक दिंदा। मैडम की बड़ी अच्छी सोच आ। मैडम जी कोई पब्लिक नू कोई अच्छी कोई जुगत मार दियो या कोई जुगत नहीं है ये कि ड्रामे खुल गए अल्लाह के वास्ते निकल आओ घर चो सा थिएटर खाली पे है। तुहाडी मेहरबानी, असल बुढ़िया छड़ के आ साडियां बुढ़िया देखो साडा रिजक चलना है, बरल तुसी घर च निकलो ड्रामा वेखण आओ कि चलो साडे काम च भी बरकत पवे, कोई सानू भी रिजक प्रोड्यूसर खुल डुल के दे बरल हाले तक। हाँ जी ड्रामे से लाजम आओ भावें दाता साहब का कह के आओ आओ सही लाजम आओ। हाँ जी हाँ जी लाजम। गाइस अल्लाह हाफिज़, अब मैं चलती हूँ क्योंकि मेरी एंट्री का टाइम है और आप गपशप। बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू जी। हाँ जी लो जी थोड़ी है ना मुलाकात कराने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी मैडम की हाल? अल्लाह का शुक्र। मैडम की नाम सर थोड़ा? मिशी खान। हाँ जी मिशी खान जी बहुत अच्छी प्यारी आर्टिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब थोड़ा की नाम? मैं जी शहीन खान। हाँ जी ये जी शहीन खान, पहले शहीन पटवारी सी,
कोई इन्हों को केस इधर उधर हो गया, इस तो इन्होंने ना जरा पटवारी कटाता हूँ शहीन खान साहब। हाँ जी मैडम, तुसी कितना चिर हो गया इस फील्ड दे विच? मुझे अभी थोड़ी देरी हुई है, मैं थोड़ा सा पहले ही आई हूँ। तो की महसूस कर रहे हो कि तुसी माशाल्लाह तुहाडे काम दे विच ज़्यादा कामयाबी तुहानू? नहीं, मुझे बहुत उम्मीद है कि मेरी मेहनत पर डिपेंड करता है कि मैं जितनी मेहनत करूँगी उतना नाम कमाऊँगी। आते ही मुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, सारे फनकार या सारे आर्टिस्ट बहुत यहाँ के कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छे से मुझे मैनेज कर रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं और आगे लेके चल रहे हैं। और ये इनका बहुत बड़ा इनकी तारीफ़ है, इनकी बड़ापन है कि मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हुई, बिल्कुल भी यहाँ पे मुझे घबराहट फील नहीं हुई है कि मैं न्यू हूँ या मेरे लिए कोई नया सिलसिला है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे खुशी है कि और उम्मीद भी है कि मुझे ये सारे ऐसे लेके चलेंगे और मैं आगे अपना काम बेहतर तरीके से कर सकूँगी। और जी शुक्रिया जी, और तुसी भी दुआ करना जी अल्लाह पाक इन्हां नूं कामयाबी अता फरमावे। और बहुत अच्छी आदत भी इन्हां दी बहुत अच्छी है, फनकार बहुत अच्छी है जी। हुण तुहाडा ने जी हुण तुहाडा तारफ करवाने जी कि जिहड़े इस सिनेमे दे मैनेजर ने। हैं जी नाज़रीन, ये साढ़े बहुत प्यार वाले ने, समझ लो कि साढ़े सिरां ते इन्हां दा साया जी। अल्लाह पाक दा ते है ही आ, लेकिन बंदियां दा भी बड़ा हाथ हुंदा जी। ये साढ़े बाबर साहब ने, साढ़े मैनेजर भी ने, ये सिनेमे की आन है, सिनेमे की जान है। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब जी। वालेकुम सलाम जी। बाबर साहब की हाल जी? और सब तो पहले तो तुहानू मुबारक होवे, थिएटर खुल गए। नहीं जी, आपको भी मुबारक, और जितनी लोगों ने स्ट्रगलिंग की हैं या जो कुछ उनके हालात देखे हैं तो माशाल्लाह आप ज़रा ये रौनकें आई हैं इनके चेहरों पर भी, तो अब बहुत बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ये बिज़नेस शुरू हो जाएगा। अभी तो थोड़ा सा अभी फाल है, इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद ये ठीक हो जाएगा। और बाबर साहब बहुत मेहनत करते जी, ये इन्होंने थिएटर खुलवाने दे विच बड़ा बड़ा हाथ है जी। और बाबा साहब तुसी को पब्लिक नु की कहना चाहते हो कि पब्लिक आवे? हमारा ये है कि अपना हमारा जो साथ दिया है वो कैसर सनाउल्ला साहब है, हमारे चेयरमैन है लाहौर तमसील थिएटर के। जी जी जी। उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, दिन रात एक की है, हर वज़ीर के पास गए हैं, हर मशीर के पास गए हैं, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है। और आर्टिस्टों को जितना 5 माह में उन्होंने सपोर्ट की है वो मैं बता नहीं सकता हूँ, किस तरीके से उनके घरों में राशन पहुँचाया है, उन्हें नकदी दी है, पैसे दिए, ये सारा क्रेडिट जाता है कैसर सनाउल्ला साहब को जी। सुसन तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया जी कैसर सनाउल्ला साहब का। और बड़ी गल है जी योजे कि बंदे जे ना अपना कोई के क्या बात है जी, बड़ी के हमदर्दी है जी। ये बाबर साहब कुछ चैनल के बारे कुछ तुसी कुछ कहना चाहते हो? आर यू जे जी, मेरी दुआएं इनकी साथ हैं, इंशाल्लाह ताला ये कामयाब और तरक्की करे, मेरी दुआएं इनकी साथ। थैंक यू जी, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी जी। हाँ जी सर, इस साढ़े फैसलाबाद के सुपर स्टार राशिद कमाल साहब, और वाकई बा कमाल इंसान ने। अस्सलाम वालेकुम राशिद। वालेकुम सलाम जनाब। सर की हाल जी? अल्लाह का शुक्र जनाब। सर सब तो पहले तो तुहानू बहुत बहुत मुबारक होवे सर, तुहानू के थिएटर खुल गए ने। हाँ जी हाँ जी, शुक्र अलहमदुल्ला जी, दोबारा उही रौनकां बहाल हो गई, लोग उस तरह ड्रामा वेखण आ रहे हैं। और लेकिन असीं थोड़ा एस ओ पी का ख्याल रख रहे हैं, एस ओ पी जी इंसान की जिंदगी वास्ते जरूरी हो गया, ये नाल ही हुण सारा वक्त जिहड़ा सानूं कढ़ना पैना। हाँ जी, ये सारा जी एक हिस्सा जिहा बन गया जी। तो राजा साहब कोई जुगत कोई पब्लिक नूं कोई तुसीं उदां ते तुहाडियां बड़ियां सुणदे ने, ते ओह जरा थोड़ा जिहा ना कोई ताज़ी तुसीं इदां करना, तुहानूं ड्रामा साडा मनरवा सनमे चल रहा वा, ये 14 अगस्त नूं 3 शो होणे ने, ते बड़ा खूबसूरत ड्रामा है, ते जिहड़े लोग सानूं वेख रहे ने सुण रहे ने प्लीज़ साडा ड्रामा वेखण आउण, प्राण के तुहानूं इत्थे जुगतां पूरे भार नाल सिखाउणियां असीं, नाले दिखाउणियां तुहानूं जुगतां, असीं जिहड़ा काम बणाया वा तुहानूं चैक कराउणा है, तुहाडी नज़र करना है काम ते आना जरूर। और इहदे विच कोई शक नहीं, राशिद साहब अल्लाह दी रहम नाल और वाकई अपने काम नाल पूरा इंसाफ करदे ने, जिहड़ा भी रोल करदे ने उहदे ते मोहर ला दिंदे ने, और अल्लाह पाक दा बड़ा करम है इन्हां ते, अल्लाह पाक इन्हां ते होर करम करे। और सब तो पहले ये गल है कि ये भी साढ़े उस्तादे मोहतरम सरदार कमाल साहब के शागिर्द ने, साढ़े उस्ताद दे बारे कुछ दसना चाहो? उस्ताद तुहानूं पता है कि प्यों बजा हुंदा, उस्ताद की इज्जत ऑनर, अज असीं जो कुछ भी हाँ अपने उस्ताद की वजह ना, सरदार साहब की वजह ना, उन्होंने साढ़े ना बड़ा प्यार किया, उन्होंने वेख के इस फील्ड के इन हुए हैं, तो उन्होंने को सीखा भी है, उन्होंने को टाइम भी कढ़िया है, उन्होंने आदतें भी अपनाइया ने, तो शुक्र है अलहमदुल्ला कि असं अपने उस्ताद से सानू बड़ा फखर है कि वह फनकार तो है ही नहीं, एज ए इंसान बहुत अच्छे ने। वेरी गुड जी, अल्लाह पाक उन्होंने रहमत अता फरमावे, अल्लाह पाक उन्होंने लम्मी जिंदगी अता फरमावे। और इन्हों का पैगाम तुम पब्लिक को पैगाम देना चाहते हो? पब्लिक को मैं कहा कि ड्रामा साडा मनरवा सन में चल रहा है, तो 14 अगस्त को 3 शो ने, तो प्लीज़ जरा वेखण आना यार, जरा तुम आते हो तो जरा रौनक लग जाती है,
ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਨਰਵਾ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੰਗਲ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੁਗਤ ਮਾਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਮਾਰੋ, ਕਿੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਠੀ ਤੋਏ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਲਾਜ਼ਮਨ ਆਉਣਾ ਜੀ ਸਰ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ।